मैं कोलकाता से, मम्मी पापा मुझे एक बरस की थी जब ही लेके आए मुझे, तो जब से मतलब हमारी बॉम्बे की हम लोग एकदम ही ये हो गए। कोलकाता में किसने एक बार मतलब 12-13 साल की थी जब ही गई थी, उसके बाद में मैं गई नहीं। उसके बाद में मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद में घर में ऐसी प्रॉब्लम चली तो मुझे काम करना पड़ा। मेरे हस्बैंड जो है बीमार रहने लगे, तो वो वजह से मुझे बच्चों का देखभाल करने के लिए मुझे काम करना पड़ा। मैं यहाँ पे 40 बरस से रहती हूँ और मैं घर काम करती हूँ, तो घर काम में मतलब मुझे खाना बनाने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और बच्चों को जैसा देखना, बाहर के बच्चे आते हैं उन लोग का मैं देखभाल करती हूँ, खाना वीना पकाती हूँ, उनकी रूटीन जो भी है वो करती हूँ। मैं सेवेंटी के टाइम पे भी बहुत हम लोग ने परेशानी झेली। उस टाइम पे हमारी एज थी कुछ 10 साल की एज थी, 70 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का राइट हुआ था, तो उस टाइम पे 10 साल की थी। तो जब हम लोग मतलब बहुत घर से बिछड़ गए, परेशानी बहुत हुई जब भी, तो पापा भी काम धंधे नहीं, हम लोग बहुत मतलब मुसीबत से पले बड़े हुए। जैसे छोटे छोटे भाई लोग को लेके यहाँ तक मैं मेरे भाइयों को भीख तलक मंगे खिलाए, बहुत परेशानी मतलब मैंने झेल चुकी हूँ। उसमें एक बहन बॉन्स हुई थी, वो भी 2 महीने के अंदर भवन ले लिया उसके। तो जब से मतलब उसके बाद से हम लोग सही, थोड़े दिन के बाद में पापा को काम ही मिला अच्छे से ये हुए। तो जब हमारा थोड़ा ठीक हुआ तो वो टेंशन मैं ज़्यादा ली बहन लोग का, तो पापा मेरे चाचा जो है वो आया अंकल गांव से कलकत्ता से, तो वो मुझे एक साल के लिए गांव लेके गए कलकत्ता। उसके बाद में फिर मैं आई तो एक साल कुछ 2 साल रही, फिर मम्मी पापा ने शादी कर दी। बाकी ज़िंदगी यही चल रही है, जैसे 8 साल हस्बैंड के साथ में मैं अच्छी थी, उसके बाद में हस्बैंड की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे ये काम करना पड़ा। कश्मीर के जो लोग यहाँ पे आए हैं उनको हेल्प करना ज़रूरी है। मतलब जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, और जो बेचारे ये हो रहे हैं उनके लिए तो हेल्प करना पड़ेगा अपने लिए। अपन सब जन मिलके करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद की ज़रूरत है अपनी। भले 10 रुपये से क्यों नहीं करो, मगर करना ज़रूरी है। एक इंसानियत के नाते, एक अपना फ़र्ज के नाते अपने को करना पड़ेगा और करना ही चाहिए। तो उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो हमारे पास जो भी छोटे बच्चों के हमारे कपड़े नए तो नहीं दे सकते भैया, तो हम हमारे जो भी बच्चे के अच्छे दिखते हैं छोटे हो जाते तो हम दे देते उनको, पैसे दे देते। काफ़ी लोग हैं इधर,